हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीस और मैं आपसे आज बात करने वाला हूं फ्रेंड्स इंटेक्स एक्वा पावर 4G के बारे में। ये जो फोन है 6399 के प्राइस में आ रहा है और इस प्राइस रेंज में आपको जो डिजाइन और स्पेसिफिकेशन जो भी देखने को मिलेगा वो आपको डिजाइन जो है स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, बाकी का स्पेसिफिकेशन मैं बता रहा हूं और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप डिजाइन देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसा कि दिख रहा है वो एक प्लास्टिक बॉडी का मतलब है उसका बॉडी, और अगर हम देखें तो इसका जो मैट फिनिश दिया गया है पीछे में बहुत अच्छा लुक है देखने में। तो फ्रेंड्स, इसका जो डिजाइन हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, अब हम इसका डिस्प्ले जान लेते हैं। डिस्प्ले जो है 5 इंच का डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन आपको 720x1280 पिक्सल का मिलेगा, मतलब कि एक HD डिस्प्ले है। और अगर हम PPI की बात करें तो PPI 267 का PPI इसमें देखने को मिल जा रहा है। अगर हम इंटरनल पार्ट की बात करें तो इसमें 1 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है जो कि MediaTek का 64 bit का है प्रोसेसर। अगर हम इसका इंटरनल मेमोरी की बात करें तो 8 GB का इंटरनल मेमोरी मिल रहा है जिसको आप 32 GB तक बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो एसडी के साथ। और इसमें जो रैम है वो 1 GB का रैम भी दिया गया है। ये तो हो गया इंटरनल पार्ट। अगर हम इसके कैमरे के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो कैमरा जो है 8 MP का बैक कैमरा दिया गया है विद फ्लैश। फ्रंट कैमरा 2 MP का है। अगर हम इसके बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी जो है आपको 3800 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, लिथियम का बैटरी है जो कि बैकअप बहुत अच्छा देने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया पूरा स्पेसिफिकेशन। चलिए दोस्तों, अब मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर लेता हूं। मेरे जो ओपिनियन है इस फोन के बारे में कि 6000 के प्राइस में आ रहा है उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। 8 MP का आपको बैक कैमरा मिल रहा है विद फ्लैश, फ्रंट में 2 MP, तो कैमरा तो अच्छा है मान लेते हैं। इसका जो इंटरनल पार्ट है बहुत ही घटिया है, मतलब कि 1 GB का रैम दे रही है कंपनी, जो कि आप देख सकते हैं एक्वाफिस जो नया निकाली है ये इंटेक्स मोबाइल, तो उसमें देखिए उसमें बहुत अच्छा फीचर्स दिया गया है, इसके मुकाबले बहुत अच्छा है। लेकिन इस प्राइस रेंज में देखिए ऐसा एकदम देना ही नहीं चाहिए था। 1 GHz का आपको प्रोसेसर दे रही है तो उस प्रोसेसर से क्या करेंगे, सिर्फ बैटरी मतलब नाम रख दी कि इंटेक्स एक्वा पावर, तो पावर 3800 दे दी, उस पावर को लेके इंसान क्या करेगा, कुछ उसमें मोबाइल में यूज करने लायक है ही नहीं, तो क्या कर सकता है। तो इस फोन में यूजलेस सब चीज दिया गया है, मतलब कि इंटरनल पार्ट जो है बहुत ही यूजलेस है। 5 इंच का HD डिस्प्ले है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये फोन ना लें। इसका जो इंटेक्स फिस जो मोबाइल निकला है वो बहुत अच्छा है, फिश की तरह है, अच्छा है, उसको आप ले सकते हैं। इतना ही बोलना चाहूंगा इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट करें, लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे वीडियो में आपके लिए हमेशा लाता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए।